बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर गुलज़ेब अब्बास और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बनता है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि हमने कूलम ला के फार्मूले से डिस्कस की उसको, और जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों का कंपैरिजन हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हम इनको करेंगे डिफाइन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन करते हैं। एवरी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर चार्ज बॉडी विद अ सर्टन फोर्स एंड दैट फोर्स इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। जब भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरी साइड पे आ जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है लिंक ऑफ मैसेस। तो हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स का हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ सर्टन फोर्स, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कि एक मैस दूसरे मैस के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला बनेगा फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, वेयर दिस के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, क्यू वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, क्यू टू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो ये हमारे पास बन गया के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला बनेगा एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल जी ये है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम वन है मैस ऑफ वन पार्टिकल, एम टू है मैस ऑफ द अदर पार्टिकल, एंड दिस आर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैसेस। जिन दो मैसेस के दरमियान फोर्स बन रही है उन दो मैसेस के दरमियान का डिस्टेंस। अब कॉन्स्टेंट की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। के की वैल्यू आपको जैसे नज़र आ रहा है इट्स 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी वैल्यू। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम बात करें जी की जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67×10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो के जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई है, बहुत बड़ी वैल्यू है, जबकि जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत कम है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि के की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली दिस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी, इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। दूसरी साइड पे जब हम कैपिटल जी की बात करते हैं तो हम पीछे बता चुके कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल। जब इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक वीकर फोर्स होगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीकर फोर्स। उसके बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये चार्जेस को, जिन दो चार्जेस के दरमियान ये प्रेजेंट है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती है, और अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो ये उन्हें रिपेल कर देगी, यानी कि ये दोनों तरह से एक्ट करेगी, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा कोई लिंक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, इसमें रिपल्शन है ही नहीं। अब उसके बाद है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब फार्मूले को देखें, फार्मूले को देखें तो यहाँ से हम इस फार्मूले को लेके तो हम यहाँ से इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं दैट एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्वांटिटीज तो कांस्टेंट हैं, के भी, क्यू वन भी, क्यू टू भी। और उसके बाद सिमिलरली हम एफ जी के लिए लिख सकते हैं एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर। सो दीज टू फोर्सेज, बोथ दीज टू फोर्सेज आर ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस जो है वो आप टू टाइम्स करते हैं तो फोर्स आपकी डिक्रीज होगी बाय फोर टाइम। अगर आप डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं टू से तो फोर्स जो है वो फोर टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर के साथ, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद है अफेक्ट ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे कि हमने कूलम लॉ की डेरिवेशन में ये बात पढ़ी थी कि जब मीडियम प्लेस किया जाए बिटवीन द चार्जेस तो ये फोर्स जो है ये उससे अफेक्ट होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये शील्ड नहीं की जा सकती। और सबसे आखिरी बात वो ये है कि ये दोनों फोर्स का जो फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ दीज फील्ड्स आर कंजर्वेटिव। अब इस बात का मतलब ये है कि इन दो फील्ड्स के अंदर जो वर्क डन किया जाता है वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं द वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। जिस पाथ को फॉलो करके वर्क डन कैलकुलेट किया गया है उसको ये इसे इंडिपेंडेंट है, यानी कि वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड है वो दोनों का फील्ड कंजर्वेटिव है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।